हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो पॉइंटर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस ये मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई, और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हो पाए उनको कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत बिल्कुल मत हारे और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहे, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि जो भी इस फील्ड में कंटिन्यू मेहनत करता रहा है वो सक्सेस हो जाता है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में इंटरव्यू के वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कैंडिडेट से पहले पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, ये है पार्ट वन। मैं आगे भी इसके पार्ट टू पर जो अदर पार्ट्स है वो लेके आऊँगा, जिसमें और सारे क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। सो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कैंडिडेट से पूछा गया था। 30 साल की महिला और पुरुष 7 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। अचानक पुरुष ने शादी से मना किया तो महिला ने रेप का मुकदमा लिखा दिया। पुरुष बेल के लिए अप्लाई करता है तो क्या आप बेल देंगे? इसका जो आंसर कैंडिडेट ने दिया है वो दिया है, हाँ सर, मैं बेल दूंगा क्योंकि दोनों 7 साल से कमिटेड है और पिछले 7 सालों में महिला ने विरोध नहीं किया, अब मुकदमा दर्ज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचती है तो क्या प्रपोज करना अपराध की श्रेणी में आता है? कैंडिडेट का आंसर था, नहीं सर, यह कोई अपराध नहीं है, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज को अपराध नहीं माना गया है, यह है लीगल लैंग्वेज में अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशरी क्यों ज्वाइन करना चाहती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो आंसर है वो आप अपने पर्सनल जो आपने जिस पर्पज़ से जुडिशरी को ज्वाइन किया था आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको लगता है कि सबको टैलेंट के हिसाब से मौका मिलना चाहिए? तो कैंडिडेट ने आंसर दिया था, जी, यही मकसद होना चाहिए कि सभी को उनकी मेहनत और टैलेंट के आधार पर मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लो क्या है, किसी लेखक का कथन बताते हुए एक्सप्लेन करिए। कैंडिडेट ने आंसर दिया था, लो का मतलब सबको समान रूप से जस्टिस देना है। लेखक का कथन कैंडिडेट को याद नहीं था, बट आप ज़रूर याद करके जाए। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन था, CRPC कहाँ लागू होती है? तो कैंडिडेट ने आंसर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्र पर CRPC लागू होती है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर CPC हो या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि यह एक्ट कहाँ लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपकृत्य यानी कि टोट और अपराध यानी क्राइम के बीच का अंतर सूक्ष्म होता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इनके बीच का भेद समाप्त कर देना चाहिए? इसका कैंडिडेट ने आंसर दिया था, नहीं सर, इसका जो भेद है वो समाप्त नहीं करना चाहिए क्योंकि अपराध और अपकृत्य दोनों प्रकृति, उद्देश्य व उपचार के आधार पर पृथक अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेक्शन 499 IPC में क्या प्रावधान दिया गया है? ये तो आप फ्रेंड जानते ही होंगे कि 499 में डिफामेशन के अपराध को परिभाषित किया गया है, ये भी क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछा गया था। ऐसे ही वो किसी भी सेक्शन को जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है हर सब्जेक्ट का वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, कौन सा प्रावधान इसमें दिया गया है, इस सेक्शन में किस चीज़ को ये सेक्शन बताता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता कि मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दी गई है उनको परिवर्तनीय यानी कि एनफोर्सेबल होना चाहिए? एक कप टूट जाने पर नौकर के तनख्वाह में कटौती की बात की जाती है, आखिर क्यों इन्हें परिवर्तनीय यानी कि एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया? इसका कैंडिडेट ने आंसर दिया, सर, जब मूल कर्तव्य के संबंध में संविधान में प्रावधान किया गया तब हमारे देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को अपने विधिक और राजनीतिक अधिकारों यानी कि लीगल और पॉलिटिकल राइट्स और ड्यूटीज़ का बोध नहीं था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अब इन कर्तव्यों के पालन को सुशिक्षित लोगों के संबंध में बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। फ्रेंड, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस वीडियो का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण के मुंह पर माखन कैसे लगा है, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। इसका आंसर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल दिया था कैंडिडेट ने, वो दिया था कि सर, यह है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध यानी कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का, यह ऑफेंस है जो IPC के सेक्शन 192 में डिफाइन किया गया है। ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर माखन लगाकर उन पर चोरी का अभियोजन लगाने हेतु मिथ्या साक्ष्य करते हैं। इस आंसर को सुनकर बोर्ड के जितने भी मेंबर्स थे वो सब मुस्कुराने लगे थे। सो फ्रेंड, यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इंटरव्यू के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।